कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जो डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट एज ऑफ लाइफ में ज़्यादा कि को से गुजर रही है या उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही जब लड़की अपनी टीन एज में से गुजरती है फिर वो इसके प्रोसेस ऑफ मेच्योरिटी है फिर उसके बाद उसकी जब शादी होती है फिर उसकी फैमिली प्लानिंग है फिर उसके प्रेगनेंसी के प्रोसेस है फिर कॉन्ट्रासेप्शन का प्रोसेस है उसके बाद फिर मीनो है मीनो के बाद एक सर्टन लाइफ है खुदा ना खासा प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लाइक ये जानलेवा भी हो सकती है प्रेगनेंसी की केयर है वो प्रेगनेंसी होने से पहले शुरू होती है वुमेन्स हेल्थ का जो है ये पूरी दुनिया में है है बल्कि वेल का का हेल्थ, आ, हेल्थ का है। ये अब मैंने अपनी टॉप प्रायोरिटी पे लिया हुआ है कि इट्स नॉट ओनली कि जब मेरे पास एक फीमेल आती है और वो किसी बीमारी के साथ आए एक जो काम है वो बीमारी होने से पहले पे होना चाहिए वन से शुरू किया जाए जी बिल्कुल अगर हम फोकस करें या तो बीमारी को बीमारी से पहले देख लिया जाए या फिर ये अर्ली डायग्नोसिस एंड टाइमली ट्रीटमेंट विद रेगुलर फॉलोअप डेफिनेटली इट मेक्स डिफरेंस को समझा के बताकर hmm. बात करें आई एम श्योर पेशेंट अपना इलाज टाइम पे जरूर करवाएगा hmm. हमारी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अगर टाइम पे उसकी स्टेजे होती हैं टाइम hmm. पे डायग्नोज हो जाए उसका प्रोग्नोसिस टोटली डिफरेंट है अगर पेशेंट को या फीमेल को टू कंसीव तो कोई बीमारी है किसी चीज के लिए दवाई ले रही है या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है तो प्रेगनेंसी से पहले ऑप्टीमल कंडीशन पे आ जाए ताकि जब प्रेगनेंट हो तो प्रेगनेंसी स्मूथ चले फिर फिर प्रेगनेंसी होने के बाद उसके डिफरेंट स्टेजेस पे केयर अकॉर्डिंगली हम हिस्ट्री लेते हैं एग्जामिनेशन करते हैं और फिर डिफरेंट फर्दर अकॉर्डिंगली टेस्ट एडवाइज करते हैं वहां से हमारा पेशेंट जो है वो लो रिस्क और हाई रिस्क में कैटेगराइज हो जाते हैं okay. एक प्रेगनेंसी में हमारे पास आती है और वो सिक्स हीमोग्लोबिन के साथ आती है अब सिक्स हीमोग्लोबिन सिर्फ खून की कमी प्रेगनेंसी को इफेक्ट नहीं कर रही okay. वो हेड टू टोस की बॉडी को इफेक्ट कर रही है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है एट द कम्पलीशन ऑफ प्रेगनेंसी हेल्दी मदर हेल्थी बेबी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं आपकी मेज़बान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी कि आप अपने शो में इतने अच्छे अच्छे लोगों को इनवाइट करती हैं बहुत सारी चीजों में हेल्प होती है बहुत सारी मालूम मिलती हैं तो जो क्वेरीज आ रही थी इस दफ़ा वो आ रही थी कि पाकिस्तान में बड़ी जबरदस्त गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं डॉक्टर भी हैं तो ख़वातीन के मसाइल को लेके बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे हमारी आज की जो मेहमान है पाकिस्तान की मारूफ गायनाकोलॉजिस्ट जनाब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जोहरा खानम साहिबा और आप जो है वो ना सिर्फ मारूफ गायनाकोलॉजिस्ट हैं बल्कि गायनी एंडोस्कोपी की सर्जन भी हैं आइए उनसे बात करते हैं असल जी वालेकुम अम आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच आपने हमें टाइम दिया और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने बिकॉज आपको पता है इट्स अबाउट मोर देन फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन हमारी फीमेल पॉपुलशन ऐसी और आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की तो इन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर करूँ और इसको इस तरह से कवर करूँ ताकि ये पब्लिक मैसेज हो जी जी. और हमारी वुमेन्स हैं वो अपने ख्याल कर सकें और अपनी हेल्थ पे जी बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल हम, बिल्कुल हम इसके बारे में बात करने जा, जा, जाएंगे और सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छी बात लगी कि जब हमने आ, उसके बारे में एक सर्वे किया कि हम किस डॉक्टर साहिबा को बुलाएं तो यकीन कीजिए 90 परसेंट जो है वो कहा गया कि प्रोफेसर डॉक्टर जोरा खानम साहिबा को इनवाइट करें उनसे बात करें माशाला से आपका काम है जिसको लोग आज भी देखें याद रखा हुआ सराहते हैं तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें टाइम दिया थैंक यू सो मच और वेलकम है हमारे शो में आपको अच्छा डॉक्टर साहब आपने माशाल्लाह से वेमन हेल्थ के ऊपर आप बहुत ज्यादा काम कर रही हैं आजकल तो आप क्या समझती हैं कि एक जो खातीन है उनकी हेल्थ को लेकर किस तरह से आगे काम किया जा सकता है देखिये जी हम वुमेन्स हेल्थ का कॉन्सेप्ट जो है ये पूरी दुनिया में है बल्कि वेल वोमे का हेल्थ हेल्थ का कॉन्सेप्ट है इसमें हम ना बस वुमेन हेल्थ को सिर्फ उस वक्त फोकस कर रहे होते हैं कि जब किसी खातून को कोई बीमारी हो जाए या वो प्रेगनेंसी प्रोसेस में से गुजर रही है या उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही हम अब इसके स्पेक्ट्रम को इससे बियॉन्ड देखें कि वुमेन हेल्थ कार्ड से स्टार्ट होती है इवन की छोटी सी बच्ची है उसके अपने प्रॉब्लम है देखिए फीमेल की लाइफ में मेडिकल का एक पूरा जर्नी है जब लड़की अपनी टीन एज में से गुजरती है फिर वो इसके प्रोसेस ऑफ मेच्योरिटी है फिर उसके बाद उसकी जब शादी होती है फिर उसकी एक फैमिली जो वे फैमिली प्लानिंग है फिर उसके प्रेगनेंसी के प्रोसेस है फिर कॉन्ट्रासेप्शन का प्रोसेस है और फिर कुछ इस तरह की बीमारियां हैं जो तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे एज ऑफ लाइफ में ज्यादा है मीनोपॉज मीनो के बाद एक सर्टेन इयर्स ऑफ लाइफ है जिसमें उनकी डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं तो इन तमाम चीजों को एड्रेस करना ये अब मैंने अपनी टॉप प्रायोरिटी पे लिया हुआ है कि इट्स नॉट ओनली कि जब मेरे पास एक फीमेल आती है और वो किसी बीमारी के साथ आए बल्कि जो काम है वो बीमारी होने से पहले पे होना चाहिए वन से ही शुरू किया जाए जी बिल्कुल, बिल्कुल जैसे जो एक बड़ी मशहूर है हेल्थ इज वेल्थ इज नो डाउट अबाउट इट और दूसरी बात है कि 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 प्रिवेंशन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बीमारी होने से पहले उसको रोक लिया जाए और इसी तरह जो है एक अगर हम फोकस करें या तो बीमारी को बीमारी से पहले देख लिया जाए या फिर ये कि अर्ली डायग्नोजिस एंड टाइमली ट्रीटमेंट विद रेगुलर फॉलोअप डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस की अगर हम एक चीज को टाइमली ट्रीट कर ले और टाइमली ट्रीट करने में देखिए ये म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट की है डॉक्टर्स की भी है अगर है। हम अपने पेशेंट को एविडेंस बेस्ड पेशेंट को समझा के बताकर बात करें आई एम श्योर पेशेंट अपना इलाज टाइम पे जरूर करवाएगा हमारी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो अगर टाइम पे उसकी स्टेजे होती है टाइम पे डायग्नोज हो जाए उसका प्रोग्नोसिस टोटली डिफरेंट है इसी तरह इवन की प्रेग्नेंसी देखिए प्रेग्नेंसी एक नॉर्मल प्रोसेस है फिजोलॉजिकल प्रोसेस है लेकिन खुदा ना खासा प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लाइक ये जानलेवा भी हो सकती है तो डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट कि हमने टाइमली डायगनोज करना है और टाइमली उसको ट्रीट करना है रेगुलर फॉलोअप्स बिल्कुल हंड्रेड परसेंट दुष्ट फरमाया आपने अच्छा डॉक्टर साहब आपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर काम किया है वहाँ फ्लो ज़्यादा होता है जो मरीज़ ख़वान हैं और कौन से मसाइल आपको ज़्यादा नज़र आते हैं जो खुतिन जिन बीमारियों में मुबतला हो जाती हैं गायने से रिलेटेड हों या अदर्स हों कौन से ऐसे मसायल हैं जिनका ज़्यादा शिकार होती हैं खातन देखिए इसमें जो हम इसको डिवाइड करेंगे दो मेन सेगमेंट्स uh, में एक तो है जो प्रेगनेंसी के दौरान चैलेंजेस होते हैं प्रॉब्लम्स आते हैं हेल्दी प्रेगनेंसी भी आती है हॉस्पिटल में लेकिन ट्रश हॉस्पिटल में आमतौर पर रेफर केसेज होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड केसेज होते हैं और दूसरा वो है जो अदर देन प्रेगनेंसी होते हैं जिसमें ट्यूमर होते हैं प्रेगनेंसी का ना होना है एंड्रोमिट्रोसिस है यूट्राइन ब्लीडिंग्स हैं जिसको रिसोलिया बोलते हैं वो केसेस हैं यूट्रस के बहुत सारे यूट्रस के बहुत से मिसाइल हैं तो ये दो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं एक प्रेगनेंसी okay. और प्रेगनेंसी रिलेटेड और एक जो है नॉन प्रेगनेंसी में जी मेरा इस वक्त मैं कॉन्फ्रेंस से कह सकती हूँ क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, clinical experience है और मैंने लाहौर के तमाम हॉस्टल्स में काम किया हुआ है टीचिंग यूनिट्स में काम किया हुआ है तो जो अगर हम इस पर पहले बात करें प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रेगनेंसी से रिलेटेड हमारे पास बुक केसेस भी होते हैं जो बुक केसेज लाइक इस नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई है और हमारे जो जी जो हॉस्पिटल है लोकल उसके जो सराउंडिंग एरिया है उन्होंने अपने आप को बुक करवाया है उसमें लो रिस्क केसेस भी होते हैं और उसमें हाई रिस्क भी होते हैं लेकिन हमारे त्रशी हॉस्पिटल्स की एमरजेंसीज में बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो नॉन बुक केसेस का होता है जो रेफरल केसेस का होता है वो लाहौर से भी है और लाहौर से बाहर से भी आते हैं लाइक वो जो केस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं या ऐसे केसेस हैं कि जिनकी फैसिलिटीज छोटे हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है वो फिर आके यहाँ पे हम डील करते हैं जैसे आजकल आपने हम बात करेंगे उसमें बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद जो अगर प्रेगनेंसीज होती हैं तो एक उनका प्रेगनेंसीज के अच्छा इसके ऊपर बहुत, बहुत है। सारे सवाल हैं बिल्कुल आपने बहुत सारे सवाल हैं वो हम किसी और पार्ट में करेंगे इंशाल्लाह आपसे बात वो एक बड़ी डिटेल के अंदर वो सवाल हमारे पास आए हैं अच्छा मैं आपसे जाना चाहूंगी आपने जिक्र किया खवातीन की उन लेकिन वो बहुत लेट आती हैं हॉस्पिटल में बहुत देर कर चुकी होती हैं अच्छा इसी चीज़ को अगर मैं देहाती माहौल में देखूँ तो गाँव में हमारी जो खुतिन है वो कहीं ज्यादा निगलैक्ट हो जाती हैं उनकी फैमिली उस तरह से नहीं रुकावट कर पाती और हॉस्पिटल में भी तब आती हैं जब उनकी खुदाना खास्ता जिचगी भी जो है वो भी क्रिटिकल हो चुकी होती है उनको क्या एडवाइस करेंगी आप देखिए इसमें ना अगर मैं आपको गवर्नमेंट लेवल पे कहूँ तो गवर्नमेंट लेवल पे डेफिनेटली बहुत काम है और वहाँ यहाँ तक हम कहेंगे कि आई कैन से कि ये डोर स्टेप सर्विस तक तो गवर्नमेंट काम कर रही है और हर गवर्नमेंट ने अपने वक्त के साथ अकॉर्डिंग तो टू सिचुएशन काम किया है हमारे पास बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं हमारे पास टी एच क्यूज हैं हमारे पास डीएच क्यूज हैं ट्रेश केयर हॉस्पिटल्स हैं अब ये हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब प्रेग्नेंसी का देखें एक ना एक बड़ा डिफरेंस एक प्रोसेस है कि प्रेगनेंसी डिलीवरी होनी हो तो घर में भी सेफ हो जाती है और बासवा खुदाना खासा कॉम्प्लिकेशन हो तो ट्रश हॉस्पिटल में भी बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट मैसेज है कि जो प्रेगनेंसी की केयर है वो प्रेगनेंसी होने से पहले शुरू होती है पहले शुरू होती है पहले शुरू होती है, है। जिसमें वुमेन का इन बेस्ट ऑफ हेल्थ बेस्ट ऑफ हेल्थ होना बहुत जरूरी है या अगर पेशेंट को या फीमेल को हु टू कंसीव कोई बीमारी है किसी चीज के लिए दवाई ले रही है या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है तो प्रेगनेंसी से पहले ऑप्टिमल कंडीशन पे आ जाए ताकि जब प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी स्मूथ चले फिर फिर प्रेगनेंसी होने के बाद उसके डिफरेंट स्टेजेस पे केयर अकॉर्डिंगली देखिए इसमें प्रॉपर एक चेक लिस्ट होती है जिसमें हम हिस्ट्री लेते हैं एग्जामिनेशन करते हैं और फिर डिफरेंट फर्दर अकॉर्डिंगली टेस्ट एडवाइस करते हैं वहां से हमारा पेशेंट जो है वो लो रिस्क और हाई रिस्क में कैटेगराइज हो जाते हैं कैन बी डेल्ट जहां पे उसके मुताबिक hmm. 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 जहां उसके लिए अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज हों जहां इन्हें की फैसिलिटीज हों जहाँ न्यू बॉर्न की फैसिलिटीज हों जहां पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव फैसिलिटीज हों तो ये कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है hmm. एक सिंपल से मैं आपको मिसाल बताऊँ की जैसे hmm. अनीमिया एनीमिया का मतलब है कि खून का कम हो जाना हां और खून की कमी अगर हम देखें तो ये कोई अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है अगर एक पेशेंट एक प्रेगनेंसी में हमारे पास आती है और वो सिक्स हीमोग्लोबिन के साथ आती है अब सिक्स हीमोग्लोबिन सिर्फ खून की कमी प्रेगनेंसी को इफेक्ट नहीं okay. to को कर रही वो हेड टू टोस की बॉडी को इफेक्ट करेगी अब यही फीमेल जब नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होना चाहती है डेफिनेटली शी शुड हैव उसको ऑप्टिमल हीमोग्लोबिन जो एक रिकमेंडेड है कि आपका 11 या 12 हीमोग्लोबिन हो तो पेशेंट कंसीव करें बिल्कुल या अगर लो भी हाँ. है तो शी शुड बी ऑन प्रॉपर मेडिसिन प्रॉपर डाइट तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि एट द कम्प्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी हेल्थी मदर हेल्दी बेबी बिल्कुल ऐसी अच्छा डॉक्टर साहब आपकी इसी बात को मैं आगे लेकर चलूंगी जो आपने जिक्र फरमाया कि अनिमिया जो खून की कमी है इसका शिकार होती हैं खवातीन। अच्छा, अच्छा खात खीन तो होती हैं जो बच्चा दुनिया में आ रहा है बच्चा है बच्ची है उसके लिए खुदा ना खासा क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्या उसकी दिमागी नशोनुमा में कोई फर्क पड़ेगा या जिसमानी सेहत उसकी अच्छी नहीं होगी वो किन किन बीमारियों का शिकार हो सकता है या क्या क्या उसको मसायल हो सकते हैं देखिए इसमें जो बेसिकली इन यूट्रो कि यूट्रस के अंदर दुनिया में आने से पहले की जो ग्रोथ है बच्चे की डेफिनेटली ये डिपेंड करती है मेटरनल हेल्थ पे कि माँ का एनीमिया कैसा है माँ को ब्लड प्रेशर माँ को शुगर कोई और बीमारी या इवन के साइकोलॉजिकल उसके इफेक्ट कैसे हैं और वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन को लीड करते हैं वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन लाइक अगर बहुत लो एच है उसमें ब्रक्षो पर हो सकती है इनके एकदम से खून बह सकते हैं इमरजेंसी डिलीवरी हो सकती है प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है कि पूरे दिनों से पहले बेबी का पैदा हो जी जाना जी। अब वो जो प्री टर्म बेबी होगा डिपेंड करता है वो कितने वीक्स पे पैदा हुआ है okay. इसी तरह उसकी ग्रोथ इफेक्ट कर सकती है इज नो डाउट अबाउट इट कि जब फीमेल कंसीव करती है शी शुड बी इन गुड हेल्थ नंबर वन और सेकेंड अगर वाकई ही उसकी कोई डेफिशेंसी रह गई है या किसी भी डिसऑर्डर से वो उसके लिए मेडिसिन ले रही है तो देर शुड बी द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हर हेल्थ ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन यूट्रो जो बेबी है वो इफेक्ट ना हो जी बिल्कुल ऐसा ही है और अगर कोई ऐसा बच्चा दुनिया में आता है जिसकी माँ खून की कमी का शिकार है तो उस बच्चे की हेल्थ को कैसे बेहतर रखा जा सकता है नो डाउट प्रिवेंशन से और फिर उसके अकॉर्डिंग टू जो उसके प्रॉब्लम्स हैं उसको टाइमली उसकी ट्रीटमेंट अच्छा डॉक्टर साहब बहुत सारे ऐसे भी डॉक्टर हैं जो जिनके पास खातें जब जाती हैं वो पूछती हैं कि मैंने खून की कमी का शिकार हूँ उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँ तो बहुत सारे विटामिन भी लिख के दे, दे दिए जाते हैं उन खातन को आप क्या एग्री करती हैं कि विटामिन है मेडिसिन की शक्ल में लिए जाए या खुराक को बेहतर कर लिया जाए देखिए जी इसमें डिपेंड करता है कि खून की कमी कितनी है हुँ. उसकी वजह क्या है हुँ. और उसमें प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन क्या है लाइक like, अगर हमारे पास एक पेशेंट आ जाते हैं बिल्कुल जो अर्ली प्रेगनेंसी में पहले दो तीन महीने में है डाइट मेक्स अ डिफरेंस और okay. उसका हीमोग्लोबिन बहुत लो नहीं है लेकिन okay. सपोज एक पेशेंट हमारे पास आते हैं जो नौवे महीने में है और उसका हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत लो है okay. सेवन है okay. तो डिलीवरी बिल्कुल सर पर है और प्रेगनेंसी की अपनी चेंजेस और उसके okay. बाद खून की कमी की वजह से चेंजेस okay. तो उन तमाम कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए okay.

उसमें ओरल इंजेक्टेबल दैट ऑल डिपेंड्स कि बेसलाइन हमारे पास हीमोग्लोबिन कितना है डिलीवरी में टाइम कितना है और पेशेंट की अदर मेडिकल कंडीशंस क्या हैं okay. तो बेसिकली इसमें कोई हम एक सेट फॉर्मूला सब पे नहीं अप्लाई कर सकते हुँ. यही वजह है कि हमें पेशेंट टू पेशेंट एवेलुएट करना है और पेशेंट टू पेशेंट एवेलुएट करके उसके मुताबिक उसको इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट देनी है हुँ. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है हुँ. कि देर इज़ नो अल्टरनेट फॉर द गुड एंड एंडी डाइट नहीं ऑफ कोर्स इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है ना अच्छा डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो आ, हमारे मरीजों का रश है वो बेतहाशा होता है उसकी नो no डाउट एक बड़ी वजह आबादी का बेहंगम आ, बढ़ना भी है तो आ, आप क्या समझती हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आप लोगों के ऊपर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा कि पेशेंट बहुत ज्यादा हैं और टाइमली सबको चेक नहीं किया जा सकता या बहुत सारा टाइम उसमें लग जाता है तो आबादी के इस बेहंगम जो बढ़ना है इसको किस तरह से आप देख रही हैं और जो औलाद है उसका हसूल क्या दस बच्चे करने चाहिए आज के दौर में भी या दो हो जाए तो बड़ी नेमत है देखिए इसको ना नो डाउट अबाउट इट के हम बहुत ही एक पॉपुलस कंट्री हैं लेकिन हम इसकी पॉजिटिव स्पेक्ट को भी देखें देखिए जो प्रेगनेंसी और बच्चा होना वो हर एक की अपनी एक जाति जो है वो उसका हक है उसकी ख्वाहिश है बट नो डाउट एवरी प्रेगनेंसी शुड बी प्लान प्रेगनेंसी एवरी शुड बी प्रेगनेंसी शुड बी प्लान प्रेगनेंसी और उसमें जब प्लान प्रेगनेंसी हो तो उसको उतने ही प्यार हर बच्चे की अपनी एक जगह है अपनी एक वैल्यू बिल्कुल ऐसी तो उसमें लेकिन आ, अगर हम इसमें एज अ कंट्री देखें तो इट इज रियली द नीड ऑफ द टाइम टू हैव द इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग क्लिनिक और वो उसमें जरूरी नहीं है फैमिली प्लानिंग के डॉक्टर इवन की वो मेरी भी जिम्मेदारी है hmm. किसी भी स्पेशलिटी का hmm. डॉक्टर है नर्स है एल एच वी है बेसिक हेल्थ यूनिट है जहाँ पे भी हम किसी को डील कर रहे हैं इट्स नॉट ओनली द फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली इट्स ऑल्सो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है hmm. जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि हमारे हॉस्पिटल uh, बहुत बिजी है वी टेक इट एज अडिट इसका मतलब है हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं कि इतने रश के बावजूद वेटिंग टाइम के बावजूद पेशेंट का लोगों का आम का हम पे ट्रस्ट है हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ट्रस्ट है और वो फिर हमारे पास आ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ नो डाउट अबाउट इट कि द टाइम इसमें जो आप फैमिली प्लानिंग की बात कर रही है इसमें दो कंपोनेंट uh, आते हैं इसमें दो कंपोनेंट है एक तो अवेलेबिलिटी है और दूसरी बात है उसकी यूटिलिटी है यूटिलिटी में थोड़ा सा एक आ रहा है कॉन्सेप्ट कि, कि अगर मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया तो ये साइड इफेक्ट तो होगा अगर मैंने इंजेक्शन लगवाए तो ये होगा अगर मैंने क्वाल प्लेस करवाई आयुस करवाई तो उसका ये इफेक्ट आगा तो देट इज बेसिकली आवर हेल्थ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनको एक मुनासिब टाइम देकर उनके जो क्वेश्चन हैं जो मिथ्स हैं उसको हम एड्रेस कर सके और नो डाउट अबाउट इट देखिए एक अगर लड़की की शादी होती है जो एवरेज एज है अगर 22 साल या 25 साल में भी शादी हो तो उसको कॉन्ट्रासेप्शन अगले पच्चीस साल के लिए चाहिए अगर उस दुण उसे, दुण उसे, उसे, उसमें से अगर उसने दो या तीन बेबी करने हैं तो मतलब थ्री इस जो है उसके उसमें घिसे बाकी तो बीस साल के लिए उसको कॉन्ट्रसेप्शन चाहिए सो देट फॉर द कॉन्ट्रसेप्शन फॉर ट्वेंटी नो सिंगल मेडिसिन कैन बी यूज अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें ना तो बेसिकली इट इज जस्ट लाइक अ होते कि हम एक कैफे पे जाते हैं एक एक बार हमने चीज पसंद की दूसरी दूसरी बार हालात के तो उसकी हाँ, क्या है है अब एक बेबी हो गया गैप फॉर फाइव इसके लिए एक डिफरेंट मेथड होगा हुँ, हुँ, एक और खातून है उनकी शादी पैंतीस साल की उम्र में हुई है और वो डेफिनेटली अपनी प्रेगनेंसी फैमिली जल्दी कम्प्लीट करना चाह रही है उस सूरत में क्या होगा की एक रीजनेबल गैप और उसके बाद कोई ऐसा तरीका कि जो उनको एक या दो साल का मैक्सिमम गैप कर सके सो देट भी उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए सो so प्लानिंग है ये खुद एक बहुत बड़ा चैप्टर है okay. और ये इंडिविजुअल फ्रॉम केस टू केस फ्रॉम केस टू केस क्योंकि देखिये मैं गैनकोलॉजिस्ट हूँ क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ हमारे पास बहुत से और स्पेशली हमारी सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज में नो no डाउट हमारे शादी जो है वो एक सोशल और सारे उसके अपने इवेंट्स हैं हैं लेकिन एक एक बच्चा आ, होना एक हर फैमिली की ख्वाहिश होती है, है तो अगर किसी का अकलौता बेटा है या अकलौती बेटी है और शादी थर्टी इयर्स में हुई है वर्किंग लेडी है तो उसको बहुत लंबी कॉन्ट्रासेप्शन पे वो नहीं जाना चाहेंगे okay, तो, तो बेसिकली हम एक लेकिन दूसरी तरफ अगर एक शादी बीस साल में हुई है और बीस साल में और पच्चीस साल तक उनके चार बेबी उनके पास हो गए हैं तो डेफिनेटली ये वो सोसाइटी का सेगमेंट है कि जिनको बहुत ज्यादा मैथ एजुकेशन की जरूरत है अवेलेबिलिटी exactly. जो हुँ. है ना बल्कि डोर स्टेप अवेलेबिलिटी और इनकी जिसे कहते हैं ना बार बार हुँ. इनकी काउंसलिंग की जरूरत है कि अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगी तो इसमें आपको ये फायदा है अगर ये तरीका इस्तेमाल करेंगे या अगर आपके जहन में कोई खौफ है अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो अच्छा उस उस मेरा डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल भी इसी हवाले से है जो आपने जिक्र किया जो देख रहे हैं इस वक्त के चूंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप लोगों का इंट्रेक्शन बहुत ज्यादा होता है आम आवाम के साथ आम लोगों के साथ को बहुत बड़े बिजनेसमैन या या बहुत बड़ी रिच फैमिलीज वहाँ नहीं आती हैं वहां पे मिडिल क्लास लोग आते हैं जो अः पता नहीं मेरे ख्याल मुझे ये लगता है कि शायद रोज का ही कमा रहे होते हैं जो उन्होंने होता है तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी कंपेन भी आप लोगों ने चलाई थी फैमिली प्लानिंग के हवाले से कितनी कामयाब हुई है कितने लोग रे करते हैं वहां पे क्या फीडबैक आ रहा है कि आया लो, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को कि हाँ हमें फैमिली प्लानिंग की, की तरफ जाना चाहिए जिनके दो या तीन बच्चे हो चुके हैं या वो आगे आप ये देख रही हैं जब आप लोग उनके इंटरव्यूज करती हैं जब भी कोई प्रेगनेंट खात आती हैं उनके ऑपरेट ऑपरेशन के हवाले से या उनकी डिलीवरी के हवाले से उनसे पूछा जाता है कि आपका ये कितना बच्चा है तो क्या फीडबैक है लोग समझ रहे हैं कर रहे हैं एग्री या है, कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो बस करते ही जाना है पैदा हो सारे देखिए जी पहले तो मैं आपके क्वेश्चन का एक जवाब दूं आ, जो आपने कहा कि अह लोग नहीं आते मैं इसे बिल्कुल एग्री नहीं करती गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे लोगों का बहुत ट्रस्ट है बहुत सीनियर फैकल्टी बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग इन हॉस्पिटल में काम करते हैं

बहुत कम है अब लाइक अगर हमें ये लगे कि अच्छा एज ए प्रोफेसर अगर मैं देखूँ या मैं एज ए अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखूँ कि अगर मेरे पास इस वेरी रेयर के हमारे वार्ड में अब कोई आए कि जी उसकी आठवीं प्रेगनेंसी है या दसवीं प्रेगनेंसी अगर आए तो हम सब वार से देखते जरूर हैं तो देर डेफिनेटली देर इज अ चेंज देर इज अ चेंज और इसकी मल्टीपल रीजंस हैं अब लोगों की इस पर आ रही है और इन कमिंग ईयर ये फर्दर प्रमोट होगा ट्रेंड कि एवरी प्रेगनेंसी इज अ ब्रांड प्रेगनेंसी बिल्कुल तो फर्क पड़ा है इट्स नॉट द सेम के जो जब हमने 90's में ट्रेनिंग की थी और आज इट्स नॉट द सेम सिचुएशन फैमिली साइज उसमें टेलर्ड हुआ है कि है अकॉर्डिंग टू लोगों की रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि हर साल एक बच्चे है चले ये तो अच्छी खबर सुनाई आपने अदरवाइज जो वैसे हम देख रहे हैं अपने आ, इर्द गिर्द में तो ये नजर आता है कि इधर शादी हुई है और इधर बड़ा चलता है जी हर साल या डेढ़ साल के वक्फे से जो है माशाल्लाह उनके बच्चे हो रहे हैं और चार चार पांच पांच बच्चे हो गए हैं जबकि अगर देखा जाए उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं मतलब लेस देन होता है तो ये चीज नजर आई थी मैंने इसलिए आपसे पूछा कि अब जो करंट स्नैरियो है उसमें क्या फीडबैक है आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया और इसी चीज को लेके फैमिली प्लानिंग के हवाले से मैं चाहूंगी कि आप एक हमें छोटा सा मैसेज लाजमी रिकॉर्ड करवाएं ताकि लोग आपकी बात को सुनते हैं और समझते हैं तो यकीन अमल भी करेंगे ये आपका कैमरा है हमारे नाजमीन के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करवा बहुत शुक्रिया जी एवरी प्रेगनेंसी शुड बी प्लान प्रेगनेंसी हेल्थ इज वेल्थ प्रिवेंशन इज बेटर देन ये जी मेरा मैसेज फैमिली प्लानिंग के लिए भी है और वुमेन्स हेल्थ के लिए भी और हेल्थ ओवरऑल सब के लिए मैसेज हेल्थ इज़ वेल्थ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपने टाइम दिया आपका बेहद शुक्रिया इसके साथ ही नाजीन आपकी मेज़बान जुबैदा अनवर खान आपसे इजाज़त चाहती है अल्लाह नगेबान